बीच में सुनने आया था कि चलान के फाइन बड़े बढ़ गए हैं, लोग डर भी बढ़ा गए थे। जो गाड़ी चलाता है वो तो टेंशन में था ही, बीवियां बड़ी टेंशन में आ गई थी। सीरियसली पति को अंडरवेयर से पहले हेलमेट पकड़ाती थी। पति बोलता है अंडरवेयर तो दे, बोलती तेरा अंडरवेयर कोई नहीं देखेगा, अगर हेलमेट नहीं दिखा ना तो चलान के चक्कर में कच्चे तक बिक जाएंगे चल। क्योंकि टाइम बड़ा फास्ट आ गया है, न्यूज चैनल वाले आजकल नए प्रोग्राम शुरू कर दिए उन्होंने, 60 सेकंड में 60 खबरें शुरू तो कर देते हैं लेकिन न्यूज तो ले दे के वही है दो चार, और फिर ये पहले तीन चार सही सुनाते उसके बाद बेड़ा गर्क कर देते हैं। शुरू कहां से करेंगे? अमेरिका के राष्ट्रपति से। अब अगर हमारे प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति मिल रहे हैं, एक ही खबर को 5 भागों में कैसे बताते हैं? मोदी ट्रंप से मिलने अमेरिका पहुंचे, नंबर 2, ट्रंप मोदी से मिले, बात एक ही है, नंबर 3, दो देशों के दिग्गज नेता आपस में मिले, नंबर 4, ट्रंप ने किया गर्मजोशी से मोदी का स्वागत, नंबर 5, दोनों देश के नेता एक दूसरे मिलके हुए खुश, बात एक ही है। 45वीं खबर आते आते ना इनके पास खबरें खत्म हो जाती हैं, फिर इनकी खबरें बदल जाती हैं। ध्यान से देखना, मिर्जापुर में औरत ने काटा पति का कान, वाराणसी में शराब पीकर आए दूल्हे ने मचाया हड़कंप, पटना में दहेज मांगने पर ससुर पे थूक के भागी दुल्हन, कानपुर में पेरेंट्स मीटिंग के लिए आई महिला को ले भागा हेडमास्टर। अजीब अजीब खबरें, कुछ तो क्राइम रिपोर्टर आप देखना 25-30 किलो के होते हैं लेकिन प्रोग्राम का नाम ऐसा रख लेंगे जैसे सुन के डर लगता है, जुर्म से टक्कर। आइए हम और आप साथ मिलके लेंगे जुर्म से टक्कर। इनको पता है खुद तो मैं अकेला साइकिल के चक्कर से भी मर जाऊंगा, लोगों को मिला लेते हैं। लेकिन ऐसी ऐसी खबरें आती हैं। अभी एक खबर मैं देख रहा था, कस्टम की जो पुलिस होती है वहां पे कोई आदमी ब्लैक मनी लेके जा रहा था और छुपाई उसने कहां थी? वड़ा पाव नहीं हम लोग खाते, पाव के अंदर छुपाई थी, पुलिस ने पकड़ लिया। मैं सोच रहा था अगर ये पुलिस के डर से सारे पाव खा जाता अगले दिन कमोड में तो एटीएम खुला होता फिर। एक बार तो ये हमारा दिनेश है ना गिटार पे, जो इसको पकड़ लिया पुलिस ने ड्रिंक एंड ड्राइव के केस में, पुलिस वाले घुड़ा यार रुको दर भी के गड़ चलाते हो मुंह खोलो, कहते नहीं साहब पहले ही बड़ी पी रखी है और कितना पिलाओगे। फिर पुलिस ने बिना नींबू पानी के इसका हैंगओवर उतारा है। ये एक बार पुलिस वालों के पास पहुंचा, बोलता है सर 3 दिन हो गए मेरी बीवी लापता है, छोटी छोटी बात पे गुस्सा करके चली जाती है, घर नहीं आई 3 दिन से। पुलिस वालों की आंखों में आंसू आ गए, कहते फिर सोच ले FIR लिखनी है कि नहीं, क्योंकि अगर लिख ली तो हमको तो ढूंढनी पड़ जाएगी, तेरे को भी लेके जानी पड़ जाएगी। हमारी पुलिस तो वैसे ही बड़ी फिट है लेकिन फिर भी उनको और तंदुरुस्त रखने के लिए बीच में एक योगा का कार्यक्रम शुरू किया गया। और आप यकीन नहीं करेंगे, पुलिस की भर्ती के टाइम इतना रश नहीं हुआ जितना ये खबर आने पे हुआ, क्योंकि अफवाह ये उड़ी थी कि बाबा रामदेव नहीं शिल्पा शेट्टी आने वाली है, सारे पहुंच गए योगा सीखने। अफवाह पे बैठे बैठे मेरे पापा की जेब में से सैलरी निकाल देती थी, पता नहीं चलता था। आप नॉर्थ में चले जाओ 7-7 दिन तक सूरज नहीं निकलता, अगर कोई रोज सुबह निकलता है तो वो है एक पुलिस वाला अपनी ड्यूटी निभाने के लिए। और मैंने एक चीज और देखी, जब सर्दियां आती है ना चोरी चकारी थोड़ी कम हो जाती है क्योंकि फॉग इतनी ठंड इतनी है, आदमी अपनी जेब में से हाथ बाहर निकालेगा तभी किसी दूसरे की जेब में डालेगा। मुंबई के लोगों को भी मैं सल्यूट करता हूँ, ये अपनी जिम्मेदारी बड़ी अच्छे से निभाते हैं। मुंबई में मैंने देखा है जब बारात निकलती है ना, बारात के आगे 50 लोग नाच रहे हैं दारू पी के, तो बीच में से 2 सडनली ट्रैफिक पुलिस वाले बन जाते हैं, एक लड़के का जीजा और फूफा बाहर निकल के ट्रैफिक वाले आने दे निकल निकल निकलो। इस चक्कर में कभी कभी देखते हैं पीछे बारात भी निकल चुकी होती है, तो फिर बारात वाली घोड़ी जो गोबर करते हुए जाती है ना उसको फॉलो करते करते ये वेन्यू तक पहुंचते हैं। विदेशों में आप देखो कानून का बड़ा डर रहता है, वो रेड सिग्नल होते ही रुक जाते हैं, हमारे यहाँ सिग्नल नहीं देखते, हमारे यहाँ देखते पुलिस वाला खड़ा है कि नहीं खड़ा उसके हिसाब से रुकते हैं। पुलिस वाला खड़ा हो ना तो ग्रीन सिग्नल पर भी खड़े रहते हैं, जाते नहीं है, नहीं साहब खड़े हैं निकल जाएंगे जब और हरा हो जाएगा, और अगर पुलिस नहीं खड़ी हो तो लाल को भी निकल जाते हैं क्रॉस करके। लेकिन ये आदत बड़ी गंदी है, जब कोई शाना बनता है ना पुलिस वाले 1.5 शाने बनते हैं। आप देखना ट्रैफिक सिग्नल पे मोटरसाइकिल वाला जो होता है स्टॉप लाइन पे ऐसे खड़ा रहता है, अभी सिग्नल हुआ नहीं धीरे धीरे आगे निकलता है, एकदम से एक दूसरा मोटरसाइकिल वाला आएगा सिग्नल तोड़ के निकल जाएगा, पीछे पीछे 10 लोग और तोड़ते हैं, फिर एकदम से पेड़ के नीचे से पुलिस वाला बाहर निकलता है थामा, फिर 10 लोगों के चालान काटता है, जो सबसे पहले तोड़ता है सिग्नल उसको जाने देता है। लोग पूछते हैं साहब उसका पहले वाले का क्यों नहीं काटा, बोलता है हमारा ही आदमी है हमने सिविल में खड़ा किया है, वो सिग्नल तोड़ेगा तुम लोग उसके पीछे पीछे तोड़ोगे, तुम लोगों को पकड़ेंगे, अभी घूम के आएगा 10 लोग और लेके आएगा चलो।
बीच में सुनने आया था कि चलान के फाइन बड़े बढ़ गए हैं, लोग डर भी बढ़ा गए थे। जो गाड़ी चलाता है वो तो टेंशन में था ही, बीवियां बड़ी टेंशन में आ गई थी। सीरियसली, पति को अंडरवेयर से पहले हेलमेट पकड़ाती थी। पति बोलता है अंडरवेयर तो दे, बोलती तेरा अंडरवेयर कोई नहीं देखेगा, अगर हेलमेट नहीं दिखा ना तो चलान के चक्कर में कच्चे तक बिक जाएंगे। चल। पति बोलता है अंडरवेयर तो दे, बोलती तेरा अंडरवेयर कोई नहीं देखेगा, अगर हेलमेट नहीं दिखा ना तो चलान के चक्कर में कच्चे तक बिक जाएंगे। चल। अच्छा, सबको पता है कि ट्रैफिक अगर रूल आप तोड़ते हैं तो फीस फिक्स रहती है कि अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई उसका इतना, अगर आपने रेड सिग्नल जंप कर दिया उसका इतना, फिक्स रहते हैं, सरकारी रेट है। लेकिन हमारी लेडीज वहां पे भी बार्गेनिंग कर देती हैं, भैया ठीक चीज लगा लो, हमेशा आपसी चलान करवाते हैं, और भी तो नाके लगे हुए हैं, हम तो उधर से कटवाते नहीं, जू से भी कटवा सकते थे, हमेशा आप ही की आवाज आते हैं, देख लो। आजकल न्यूज चैनल आप देखो, वो किसी वारदात के बारे में बताते हैं ना तो ऐसे बताते जैसे उनके सामने हुई थी, ऐसे माइक लेके पहुंच जाते हैं। ध्यान से देखिए जगह को, वो महिला बस स्टैंड पर यहाँ पकड़ी थी, उसी वक्त एक गुंडा मोटरसाइकिल पे आया और पीछे से वार किया, यही है वो जगह। पास में पुलिस वाला सोच रहा है, ए इसको उठा पहले, इसने सब देखा, इसको मालूम रहेगा, इसको उठा, क्योंकि टाइम बड़ा फास्ट आ गया। न्यूज चैनल वाले आजकल नए प्रोग्राम शुरू कर दिए उन्होंने, 60 सेकंड में 60 खबरें शुरू तो कर देते हैं, लेकिन न्यूज तो ले दे के वही है 2-4, और फिर ये पहले 3-4 सही सुनाते हैं, उसके बाद बेड़ा गर्क कर देते हैं। शुरू कहां से करेंगे? अमेरिका के राष्ट्रपति से। अब अगर हमारे प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति मिल रहे हैं, एक ही खबर को 5 भागों में कैसे बताते हैं? मोदी ट्रंप से मिलने अमेरिका पहुंचे, नंबर 2, ट्रंप मोदी से मिले, बात एक ही है, नंबर 3, दो देशों के दिग्गज नेता आपस में मिले, नंबर 4, ट्रंप ने किया गर्मजोशी से मोदी का स्वागत, नंबर 5, दोनों देश के नेता एक दूसरे मिलके हुए खुश, बात एक ही है। 45वीं खबर आते आते ना इनके पास खबरें खत्म हो जाती हैं, फिर इनकी खबरें बदल जाती हैं। ध्यान से देखना, मिर्जापुर में औरत ने काटा पति का कान, वाराणसी में शराब पीकर आए दूल्हे ने मचाया हड़कंप, पटना में दहेज मांगने पर ससुर पे थूक के भागी दुल्हन, कानपुर में पेरेंट्स मीटिंग के लिए आई महिला को ले भागा हेडमास्टर। अजीब अजीब खबरें, कुछ तो क्राइम रिपोर्टर आप देखना 25-30 किलो के होते हैं, लेकिन प्रोग्राम का नाम ऐसा रख लेंगे जैसे सुन के ही डर लगता है, जुर्म से टक्कर। आइए हम और आप साथ मिलके लेंगे जुर्म से टक्कर। इनको पता है खुद तो मैं अकेला साइकिल की टक्कर से भी मर जाऊंगा, लोगों को मिला लेते। लेकिन ऐसी ऐसी खबरें आती हैं। अभी एक खबर मैं देख रहा था, कस्टम की जो पुलिस होती है वहां पे कोई आदमी ब्लैक मनी लेके जा रहा था और छुपाई उसने कहां थी? वड़ा पाव नहीं हम लोग खाते, पाव के अंदर छुपाई थी, पुलिस ने पकड़ लिया। मैं सोच रहा था अगर ये पुलिस के डर से सारे पाव खा जाता अगले दिन कमोड़ में तो एटीएम खुला होता फिर। एक बार तो ये हमारा दिनेश है ना गिटार पे, जो इसको पकड़ लिया पुलिस ने ड्रिंक एंड ड्राइव के केस में, पुलिस वाले घुड़ा रुको, दारू पी के घर चलाते हो, मुंह खोलो, कहते नहीं साहब पहले ही बड़ी पी रखी है और कितना पिलाओगे। फिर पुलिस ने बिना नींबू पानी के इसका हैंगओवर उतारा है। ये एक बार पुलिस वालों के पास पहुंचा, बोलता है सर 3 दिन हो गए मेरी बीवी लापता है, छोटी छोटी बात पे गुस्सा करके चली जाती है, घर नहीं आई 3 दिन से। पुलिस वालों की आंखों में आंसू आ गए, कहते फिर सोच ले FIR लिखनी है कि नहीं, क्योंकि अगर लिख ली तो हमको तो ढूंढनी पड़ जाएगी, तेरे को भी लेके जानी पड़ जाएगी। हमारी पुलिस तो वैसे ही बड़ी फिट है, लेकिन फिर भी उनको और तंदुरुस्त रखने के लिए बीच में एक योगा का कार्यक्रम शुरू किया गया, और आप यकीन नहीं करेंगे पुलिस की भर्ती के टाइम इतना रश गया, और आप यकीन नहीं करेंगे पुलिस की भर्ती के टाइम इतना रश नहीं हुआ जितना ये खबर आने पे हुआ, क्योंकि अफवाह ये उड़ी थी कि बाबा रामदेव नहीं शिल्पा शेट्टी आने वाली है, सारे पहुंचे योगा सीखने। अच्छा, रियल पुलिस जो होती है उनकी बड़ी लिमिटेशंस होती हैं, लेकिन बॉलीवुड में आप कभी पुलिस वाले का रोल करते देखे, उनकी कोई लिमिट नहीं होती। एक आम पुलिस वाले को जितनी भी गोलियां मिलती हैं एक एक गोली का हिसाब देना पड़ता है, सर 4 गोलियां मिली थी, 2 मैंने हवाई फायर कर दिए, 1 मेरा निशाना चूक गया, 1 मैंने अपराधी की टांग में मारी है, वही निकाल के वापस डाल दिए सर। लेकिन फिल्मों की पुलिस देखो आप, 6 गोलियों वाली पिस्टल होती उसमें से 2.5-3 दर्जन चला देते हैं, डिश्के खत्म नहीं होती। और ये तो तब है जब पुलिस वाले का रोल अक्षय कुमार कर रहे हो, अगर रजनीकांत साहब कर रहे हो वो तो अपनी पिस्तौल यूज ही नहीं करते, वो तो अपराधी जो गोलियां चलाता है उसी को पकड़ के चला देते, मतलब कमाल है। लेकिन हम जितना भी हंसी मजाक करें, सच्चाई ये है कि आज आप लोग हैं तो हम सब सुरक्षित हैं, और दिल से जितना भी धन्यवाद करना चाहूं उतना कम है, और ईश्वर आपको और शक्ति दे, एनर्जी दे, और आपके
घर वालों को भी सहनशीलता दे, बिकॉज सारे त्यौहार छोड़ के आप लोग अपनी ड्यूटी करने में लगे होते हैं. सो थैंक यू सो मच वंस अगेन. गॉड ब्लेस यू ऑल. थैंक यू.